अगर आप भी सोशल मीडिया पर सर्विस यानी कॉल गर्ल को सर्च करने के शौकीन हैं, तो ये खबर आपके लिए खास है। दरअसल एक ऐसा ही मामला साइबर सिटी के सेक्टर 29 पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है, जिसमें 37 वर्षीय युवक को सोशल मीडिया पर सर्विस यानी कॉल गर्ल के साथ मजे लेना भारी पड़ गया। अब जरा गौर कीजिए इस व्हाट्सएप चैट पर कि कैसे खुद को तनु शर्मा बताने वाली युवती ने पीड़ित युवक को खुद मैसेज कर सर्विस देने की बात की, और जैसे ही युवक उसके विश्वास में आया वैसे ही युवती ने जाल बिछाना शुरू कर दिया और अपने ठिकाने पर बुला युवक के साथ योजनाबद्ध तरीके से लव सेक्स, धोखा और अपहरण की वारदात को अंजाम दे डाला। मैं फेज टू में अपना एसी का काम कर रहा था, वो काम निपटाने के बाद उसका मैसेज मेरे पास आने लगा कि इतनी देर में फ्री हो गया, आ जाओ। मैंने उसको बोल दिया कि मैं मिलूँगा, तो उसने मेरे को लोकेशन भेज दी। मैं लोकेशन पे पहुँचा उस होटल पे उसने मेरे को बुला लिया और मेरे को बोला कि रिसेप्शन पे आके 301 नंबर कमरे में आ जाओ। तो मैंने कहा आप मेरे को नीचे लेने के लिए आ जाओ, मैं ऐसे ऊपर होटल में नहीं आ रहा। वो मेरे को लेने के लिए वहीं गेट पर भी आई और मेरे को वो 301 नंबर कमरे में ले गई। वहाँ पे मेरी उससे बात हुई कि आप वो तो नहीं हो जो मेरे को फ़ोटो भेजी थी, तो कहती वो मेरी मैं अपनी फ्रेंड की फ़ोटो भेजी थी और क्यों मैं आपको अच्छी नहीं लगी। इस तरह से मेरी बात उससे स्टार्ट हुई और बात करते करते हमारी बात बियर तक आई। उन्होंने कहा कि बियर पिला दो, तो मैं बियर सामने से बियर लेने के लिए भी चला गया, दो बियर लेके आया, एक बियर उसने पी एक बियर मैंने पी। मैंने उसको मैंने मना कर दिया, वो मेरे को बोली कि मेरे को जल्दी जाना है तो आप तो जल्दी निपटा लो। मैंने कहा अगर आपको जल्दी है तो कोई बात नहीं, फिर किसी दिन मिलेंगे। तो यहाँ तक मेरी उससे बात हुई और मैंने कहा चलो कोई दिक्कत नहीं, आज नहीं हो रही कुछ नहीं। मैंने उसको 500 रुपये, 1000 की बात हुई थी, मैंने उसको 500 रुपये मैंने पकड़ा दिए। वहीं इस मामले में पीड़ित युवक की माने तो युवती ने अपने 5 से 6 साथियों के साथ मिलकर मेरा अपहरण कर हरियाणा के नारनौल के होटल में ले गए, जहां किसी तरह से उसने उनके चुंगुल से छूटकर गुरुग्राम पहुंचे और वारदात की जानकारी अपने परिजनों से साझा कर मामला दर्ज करवाया था। और मेरे को फिर मारना स्टार्ट कर दिया और पूरा दबा के उन्होंने मारना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने इतना मेरे को मारा और उस लड़की को मारने का एक्शन किया कि हमें गलत हो रहा है। फिर उन्होंने मेरे को लड़की के साथ जबरदन पहले भी उन्होंने नॉर्मल बैठे भी मेरी फ़ोटो खींची, वो वीडियो बनाई, और उसके बाद उसके लड़की ने कपड़े उतारे और मेरे भी कपड़े उन्होंने ज़बरदस्ती उतरवाए मेरे को मार के, और उसके ऊपर लिटा के मेरी भी उन्होंने वीडियो बनाई और मेरे को रेप केस में फंसाने के लिए तेरे को रेप केस में फंसाएंगे, अभी पुलिस बुला रहे हैं, ये कर रहे हैं। मैंने कहा आप बुला लो कोई बात नहीं, क्योंकि चैट मेरे मन में एक था कि चैट जो डिलीट हुई है वो रिकवर भी होगी, तो इस कारण आप रेप तो मेरे ऊपर साबित नहीं कर सकोगे, ठीक है मेरी गलती हुई है कि मैं यहाँ पे आया हूँ मैं। वहीं सेक्टर 29 पुलिस थाना ने इस अति गंभीर मामले में पीड़ित युवक की शिकायत पर वारदात में शामिल दो युवकों को गिरफ्तार कर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। गुरुग्राम से संजय खन्ना की रिपोर्ट। खबरों की डोज नवदीप टुडे पर हर रोज़।